हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत स्योली से होती है, जिसका स्कूल का आज पहला दिन होता है। वो अपने फ्रेंड मिंगी का वेट कर रही होती है, जिससे वो 4 साल के बाद मिलने वाली थी। वो सोचती है कि मिंगी का निकनेम छोटू था, क्योंकि क्लास में उसकी हाइट सबसे कम थी। लगता है अब मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तभी कोई उसे बुलाता है, लेकिन वो अपने में ही खोई होती है। फिर से बुलाने पर वो वहाँ एक अनजान लड़के को खड़ा देखती है। उसे कंफ्यूज देखकर वो लड़का पूछता है कि क्या तुम मेरा चेहरा भूल गई हो। ये लड़का मिंगी होता है। बाद में साथ में चलते हुए मिंगी उससे पूछता है कि इतने टाइम बाद भी तुम वैसी की वैसी कैसे हो। वो कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल के बाद मेरी हाइट बढ़ी ही नहीं। वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? मिंगी कहता है कि मेरी हाइट 6 फुट से ज्यादा है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मिंगी कहता है कि वैसे तुम पहले की तरह ही क्यूट हो। वो खुश होते हुए पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। मिंगी हंसते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो। वो कहती है कि हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मिंगी कहता है कि हम 7 साल से फ्रेंड्स हैं, तो इतना तो चलता है। वो कहती है कि तुम्हारी बस हाइट बड़ी है, बाकी तुम्हारी पर्सनैलिटी तो वैसी ही है, तुम तो अभी भी छोटू हो। फिर उसकी हाइट देखकर वो कहती है कि अब तो तुम छोटू भी नहीं रहे। ये सुनकर मिंगी हंसते हुए कहता है कि छोटू तो अब तुम हो। आगे वो कहता है कि छोटू नाम अब तुम्हें सूट नहीं करता, रुको मुझे कोई दूसरा नाम सोचने दो। फिर वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि अब से तुम मेरे हाथ रखने की जगह हो। बाद में मिंगी अपनी गर्दन को झटकते हुए कहता है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। फिर वो सियोली से कहता है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे गर्दन झुकानी पड़ती है। सियोली भी कहती है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ता है, जिस वजह से मेरी भी गर्दन में दर्द होने लगा है। मिंगी उससे कहता है कि तुम्हारा कोट थोड़ा अलग है, वैसे नॉर्मली तो ये स्कर्ट को ढकता नहीं है, शायद तुमने बड़े साइज का कोट खरीदा है। सियोली कहती है कि ये मेरे साइज का ही है, मुझे इससे छोटा साइज नहीं मिला। मिंगी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी और का कोट पहना है। सियोली कहती है कि तुम्हारी पैंट भी तो छोटी है। मिंगी कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये स्कूल का ड्रेस कोड है कि पैंट के नीचे से सॉक्स दिखने चाहिए। सियोली पूछती है कि क्या नॉर्मल पैंट तुम्हें छोटी आती है। वो कहता है कि अगर मैं उन्हें कमर में बांधूं तो ये कैपरी बन जाती है। सियोली कहती है कि तुम्हारा छोटे से छोटा कपड़ा भी मेरे लिए बहुत लंबा होगा। इसके बाद वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। सियोली पूछती है कि वैसे तुम 3 साल से कहाँ गायब थे, तुमने तो अपना फोन नंबर भी बदल दिया था। मिंगी कहता है कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। सियोली कहती है कि जब तुमने मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया तो उस टाइम तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मिंगी कहता है कि तुम्हें यूट्यूब पर देखकर तो मैं चौंक गया था। ये सुनकर सियोली को अच्छा लगता है। मिंगी पूछता है कि क्या तुम एक्टर बनना चाहती हो। सियोली कहती है कि ये तो बस मेरी पार्ट टाइम जॉब है। मिंगी कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मिंगी कहता है कि उसमें तुम बिल्कुल भोंदू लग रही थी। ये सुनकर सियोली को गुस्सा आता है। वो कहती है कि छोड़ो, तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। मिंगी पूछता है कि वैसे तुम बाद में क्या बनना चाहती हो। वो कहती है कि मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ। मिंगी कहता है कि क्या उसमें लंबी हाइट मांगी होती है, वैसे मैंने कोई छोटी हाइट का मैनेजर नहीं देखा है। ये सुनकर सियोली सैड हो जाती है। ये देखकर मिंगी कहता है कि वैसे तो अभी तुम्हारी एज कम ही है, तुम ऐसा करो कि बहुत सारा दूध पियो और खूब नींद लो, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। वो पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मिंगी कहता है कि मेरी हाइट ऐसे ही बढ़ी है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मिंगी को भी दूध देती है। तभी मिंगी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो पीछे होने लगती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिंगी उसे दीवार से सटाकर कहता है कि मैं यहाँ स्पेशली तुमसे मिलने आया था, जब से पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे 4th क्लास से पसंद करते हो। मिंगी कहता है कि चलो हम डेटिंग शुरू करते हैं। ये सुनकर सियोली चौंक जाती है। मिंगी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिंगी उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा, क्या तुम नर्वस हो, क्या तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई हैं? ये सुनकर सियोली कंफ्यूज हो जाती है। सब समझ आने पर वो मिंगी को पंच मारती है।
वो कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा मजाक किया तो तुम मारे जाओगे। मिंगी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो डेट पूछने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। सियोली को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी मिंगी को रास्ते में सियोंग दिखती है। वो उसे रोकता है। उसे देखकर सियोंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे स्कूल में आ गए हो। तभी सियोली भी उनके पास आती है। सियोंग कहती है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। मिंगी कहता है कि मुझे स्कूल आने में आधा घंटा लगता है। सियोंग पूछती है कि फिर तुम इस स्कूल में क्यों आए हो, क्या तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो। मिंगी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। उनकी बातें सुनकर सियोली सोचती है कि शायद इसी लड़की को डेट के लिए पूछने के लिए मिंगी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था, ये बहुत सुंदर है। तभी सियोली को देखकर सियोंग मिंगी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कजन है, ये बहुत क्यूट है। मिंगी हंसते हुए कहता है कि ये हमारी ही एज की है। सियोंग सियोली से माफी मांगती है। सियोली कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। ये सुनकर मिंगी हंसने लगता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुम्हें इसकी आदत हो गई है। सियोली उसे हंसने से मना करती है। मिंगी कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं ज्यादा छोटी लगती हूँ, क्योंकि तुम इतने लंबे हो, तुम्हारे सामने मेरी हाइट और छोटी लगती है। फिर मिंगी सियोंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सियोंग उसे बोलने के लिए कहती है। मिंगी उसे कहता है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता, चलो अकेले में बात करते हैं। ऐसा कहकर वो सियोली को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो बार बार सियोंग के कंधे पर हाथ रख रहा होता है और सियोंग उसका हाथ हटा रही होती है। मिंगी पीछे मुड़कर सियोली से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सियोली कहती है कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। बाद में वो घर में सोचती है कि क्या मिंगी सियोंग को डेट के लिए पूछेगा। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रही होती है तो उसे सामने से मिंगी सियोंग के साथ आता दिखाई देता है और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। वो सियोली को हाई करता है, लेकिन सियोली उसे देखकर वापस जाने लगती है। मिंगी उसके पीछे भागता है। वो उसे रोकता है और पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो। वो कहती है कि मैं भाग नहीं रही हूँ। मिंगी पूछता है कि फिर तुम क्या कर रही हो। सियोली कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए जब तुम सियोंग को डेट कर रहे हो। मिंगी चौंकते हुए पूछता है कि कौन सी डेट और सियोंग को कौन डेट कर रहा है। सियोली अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम एक प्लेबॉय हो। मिंगी पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। सियोली कहती है कि भले ही तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, लेकिन मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। मिंगी कहता है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सियोली कहती है कि तुम झूठे हो। मिंगी कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाती है। मिंगी कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सियोली कहती है कि फिर सियोंग का क्या होगा, तुम तो उसके लिए फूल भी लाए हो। मिंगी कहता है कि मैंने सियोंग से ये फूल तुम्हारे लिए मंगवाए थे क्योंकि उसके पेरेंट्स की फूलों की दुकान है। इसके बाद वो उसे गुलदस्ता देता है। सियोली पूछती है कि फिर उस दिन तुमने डेटिंग के लिए पूछने की प्रैक्टिस क्यों की। मिंगी कहता है कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें सच में डेट के लिए पूछना चाहता था। सियोली कहती है कि जिसे तुम कन्फेस करना चाहते हो, भला उसके साथ तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मिंगी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा मजेदार है। सियोली कुछ सोचकर कहती है कि वैसे तुम कह तो सही रहे हो। मिंगी पूछता है कि फिर तुम्हारा जवाब क्या है। सियोली कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन के बाद बताऊंगी। मिंगी कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो। सियोली कहती है कि तुम तो लॉयल्टी की बात करो ही मत। मिंगी कहता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड को 3 दिन तक सताना चाहती हो। वो कहती है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, अगर तुमने जिद करी तो मैं 1 हफ्ता भी लगा सकती हूँ। मिंगी कहता है कि चलो मैं 3 दिन का वेट कर लूंगा। फिर वो दोनों लंच पर जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों साथ में चले जाते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। मिंगी सियोली से उसका जवाब मांगता है। सियोली कहती है कि मैंने बोला तो था कि मैं सोचकर बताऊंगी। मिंगी कहता है कि तुमने 3 दिन का कहकर 1 महीना लगा दिया। सियोली सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं। सियोली उसे जवाब देने वाली होती है। आगे हम देखते हैं कि सियोली उसे डेटिंग के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर मिंगी खुश हो जाता है। वो पूछता है कि क्या आज हमारी रिलेशनशिप का पहला दिन है। सियोली हाँ कहती है। ये सुनकर मिंगी उसे हक कर लेता है। सियोली कहती है कि तुम ऐसे मुझे हक क्यों कर रहे हो, लोग हमें देख रहे हैं। मिंगी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब हम डेटिंग कर रहे हैं।
ज्योली उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हार्टबीट सुनाई दे रही है, लेकिन ये इतनी तेज क्यों हो रही है। मिंगी हड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरी हार्टबीट हमेशा ऐसे ही चलती है। ज्योली पूछती है कि क्या लंबे लोगों का दिल तेज धड़कता है। मिंगी कहता है कि हमारी पूरी बॉडी में खून भेजने में हार्ट को ज्यादा दम लगाना पड़ता है। ज्योली कहती है कि मैंने तो कभी ये नहीं सुना। मिंगी बात बदलते हुए उसे स्नैक्स खाने के लिए ले जाता है। रास्ते में चलते हुए वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। मिंगी कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं। ज्योली कहती है कि तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मिंगी कहता है कि तुम्हारे हाथ तो मेरे छोटे भाई से भी ज्यादा छोटे हैं। ज्योली पूछती है कि तुम्हारे भाई की एज कितनी है। मिंगी कहता है कि वो 13 साल का है। वो कहती है कि तब तो मेरे हाथ उससे छोटे नहीं हो सकते। मिंगी कहता है कि उसकी हाइट लगभग मेरे बराबर है। ज्योली कहती है कि शायद तुम्हारी फैमिली में सबकी हाइट लंबी है। मिंगी कहता है कि हमारी फैमिली में हम दोनों भाइयों के अलावा सबकी हाइट छोटी है। ज्योली कहती है कि मेरे पेरेंट्स की हाइट भी लंबी है, बस मैं ही छोटी हूँ। तभी मिंगी उसका हाथ फिर से पकड़ता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंगी पढ़ रहा होता है, लेकिन ज्योली को नींद के झटके लग रहे होते हैं। ये देखकर मिंगी उसे गोद में उठाता है। ज्योली पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बेड पर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर ज्योली कहती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। मिंगी कहता है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। इसके बाद वो ज्योली को बेड पर लिटा देता है और खुद पढ़ने लगता है। उसे देखकर ज्योली सोचती है कि ये कितना कूल है। ये सोचते सोचते ज्योली को नींद आ जाती है। वो सपना देखती है कि मिंगी उसे छोड़कर जा रहा है। वो उसे रोककर पूछती है कि क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मिंगी हाँ कहता है। ज्योली पूछती है कि क्या ये सब मेरी हाइट की वजह से है। मिंगी ना कहता है। ज्योली पूछती है कि फिर क्या बात है। मिंगी कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती हो और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम खुद अपने दिल की बात नहीं सुनती हो। ज्योली कहती है कि अब से मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगी। मिंगी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ज्योली उसे रोकती रह जाती है। तभी ज्योली की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि मिंगी उसके सामने सोया होता है। वो उसे देखकर कहती है कि अब से मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस जरूर करूंगी। फिर वो मिंगी के गाल पर किस करती है। मिंगी अभी भी आराम से सो रहा होता है। 3 दिन बाद ज्योली घर पर तैयार हो रही होती है। आज मिंगी का बर्थडे होता है और आज ही वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। ज्योली आज के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो अलग अलग ड्रेस ट्राई करके देखती है। फाइनली वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो मिंगी के लिए गिफ्ट पैक करती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। साथ में जाते हुए मिंगी को अपनी फ्रेंड दिखाई देती है। वो उसे रोकता है। इस लड़की का नाम दासुम होता है। वो मिंगी से कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज तुम बहुत बिजी होंगे। मिंगी कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी ज्योली दासुम को हाय कहती है। उसे देखकर दासुम मिंगी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। ये बहुत क्यूट है। मिंगी थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर दासुम उन दोनों से माफी मांगती है। दासुम को देखकर ज्योली सोचती है कि ये तो बहुत सुंदर है और ये मुझसे लंबी भी है। दासुम पूछती है कि तुम दोनों ने कब से डेटिंग शुरू की। मिंगी कहता है कि हमें साथ में 1 हफ्ता हो गया है। दासुम पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताता, और वैसे भी तुमने मुझसे पूछा नहीं। दासुम कहती है कि मुझे कौन सा सपने आ रहे थे कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। मैं तुमसे नाराज हूँ कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। तभी मिंगी उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। दासुम देखती है कि ज्योली मिंगी के कपड़े खींचकर कुछ इशारा कर रही होती है। दासुम मिंगी से कहती है कि क्या आज तुम्हारी डेट नहीं है। मिंगी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। दासुम पूछती है कि क्या मेरा चलना सच में सही रहेगा। ज्योली कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मन में सोचती है कि अब भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। इसके बाद वो सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मिंगी पूछता है कि क्या ये वही एयरपोर्ट्स है। दासुम कहती है कि ये बहुत मस्त है। ज्योली पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। मिंगी कहता है कि हमने ये कॉलेज फेस्टिवल में जीता था, जहां हमने एज अ कपल पार्टिसिपेट किया था। ये सुनकर ज्योली चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों पहले डेट कर रहे थे। दासुम कहती है कि पहला प्राइज एयरपोर्ट था,
जो मुझे चाहिए था, इसलिए हमने कपल बनने का नाटक किया था। मिंगी कहता है कि हम ऑफिशियली कपल थे। दासुम उसे मारते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो स्योली हमारे बारे में गलत समझेगी। फिर दासुम स्योली से कहती है कि हम साल में लगभग 300 दिन साथ रहते थे, तो लोग हमें साथ में देखकर डेट करने के लिए कहते थे, तो हम कहते थे कि ठीक है, हम लोग डेट कर रहे हैं। मिंगी कहता है कि हम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे और हमने कभी एक दूसरे को एज अ कपल नहीं देखा। दासुम कहती है कि इसकी हाइट और लुक पर मत जाना, ये बहुत आलसी है। मिंगी कहता है कि तुम चुप रहो। स्योली कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, तुम दोनों ने ही पिंक कलर पहना है। मिंगी कहता है कि हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, हम लगभग जिगरी फ्रेंड्स हैं। दासुम उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि हम बस पुराने दोस्त हैं। फिर वो मिंगी को बोलने से पहले सोचने के लिए कहती है। मिंगी कहता है कि तुम मुझे डांटना बंद करो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। स्योली चुपचाप उन दोनों को देखती है। फिर बाहर जाकर मिंगी दासुम से कहता है कि मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगा। दासुम कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। मिंगी इसकी वजह पूछता है। वो कहती है कि गर्लफ्रेंड के होते हुए तुम्हें फीमेल फ्रेंड की क्या जरूरत है। मिंगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो स्योली की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। स्योली कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दासुम कहती है कि देखो, वो मेरे यहाँ होने से कंफर्टेबल नहीं है। मिंगी कहता है कि ये ठीक तो है। दासुम कहती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर वो उन दोनों को बाय कहकर चली जाती है। स्योली कहती है कि वो बहुत सुंदर है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वो सुंदर लगी। स्योली पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करते हो। वो हंसते हुए कहता है कि मैं उसे लाइक क्यों करूंगा, मैं हमेशा अपने मेल दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता हूँ, लेकिन मैं कभी दासुम के साथ बाहर तक नहीं गया। स्योली पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। वो हाँ कहता है। फिर वो उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। स्योली मन में सोचती है कि मुझे सच में बहुत जलन हो रही है, लेकिन वो मिंगी को मना कर देती है। मिंगी कहता है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है, मुझे तो लगा था कि तुम एक कूल गर्ल हो, लेकिन तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो। स्योली उससे नाराज होते हुए कहती है कि तुम उससे बात मत करो। दूसरी तरफ दासुम बड़बड़ा रही होती है कि मिंगी ने आज ही वो शर्ट क्यों पहनी हुई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी, और मैंने भी उससे मैचिंग कलर पहना हुआ था। पता नहीं स्योली क्या सोच रही होगी। उधर मिंगी स्योली को मना रहा होता है। वो कहता है कि दासुम बस मेरी अच्छी फ्रेंड है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। स्योली चुप खड़ी रहती है। मिंगी अपनी कोशिश जारी रखता है। स्योली उसे बात करने से मना करती है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा हो। स्योली हाँ कहती है। मिंगी कहता है कि आज के बाद मैं अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड से नहीं मिलूंगा और उनसे बात भी नहीं करूंगा। फिर स्योली उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। मिंगी उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटा टेडी होता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूँ, ये हमारी फर्स्ट डेट का गिफ्ट है। स्योली को वो बहुत पसंद आती है। फिर मिंगी उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। स्योली कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। स्योली अपनी आंखें बंद करती है। मिंगी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे स्योली की हाइट मैच करने में बहुत परेशानी होती है। वो बेचारा बहुत कोशिश करता है। तभी कोई उन दोनों को छेड़ते हुए किसिंग की साउंड निकालता है। ये सुनकर वो दोनों उस तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों शर्मिंदा होते हुए हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें स्योली अपनी फ्रेंड यूजिन को बताती है। यूजिन चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुमने उसे डेटिंग के 6 महीने बाद भी किस नहीं किया है। स्योली पूछती है कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है। यूजिन कहती है कि आजकल तो कपल्स डेटिंग शुरू होते ही हगिंग और किसिंग शुरू कर देते हैं। स्योली कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं डेटिंग से पहले वाली स्टेज में जा रही हूँ। यूजिन पूछती है कि क्या तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो। स्योली कहती है कि ऐसा तो नहीं है। यूजिन कहती है कि ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम उसके साथ मस्ती करना स्टार्ट कर दो। स्योली कहती है कि ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यूजिन कहती है कि तुम्हारे बहाने सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। स्योली कहती है कि कहीं हम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। यूजिन कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम फालतू की टेंशन ले रही हो। स्योली पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यूजिन कहती है कि बस उसे किस करो, तब तक उसे किस करती रहो जब तक तुम दोनों में से किसी के होंठ न फट जाए।
सियोली पूछती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। यूजिन कहती है कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम्हें कितनी बार ये बताना पड़ेगा। सियोली उसे थैंक्स कहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सियोली के जाने के थोड़ी देर बाद मिंगी यूजिन के पास आता है। वो भी उसे अपनी सेम प्रॉब्लम्स बताता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने उसे किस करने की कोशिश की थी तो मैं बुरी तरह से फेल हो गया था। मुझे तो उसका हाथ पकड़ने में भी अजीब लगता है। यूजिन पूछती है कि क्या तुम दोनों की आपस में पटती नहीं है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों कपल से दोस्ती की ओर जा रहे हैं। यूजिन कहती है कि तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। यूजिन कहती है कि तुम्हें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बोल्ड होते हैं। मिंगी कहता है कि मुझे सही टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यूजिन कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों मिलकर मेरा बेवकूफ क्यों बना रहे हो। मिंगी उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि क्रिसमस आने वाला है। यूजिन कहती है कि क्रिसमस आने वाला है और मैं पता नहीं यहाँ तुम्हारे सामने बैठकर क्या कर रही हूँ। मिंगी पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यूजिन उसे भी सेम वही जवाब देती है जो उसने सियोली को दिया था। वो उसे सियोली को डायरेक्ट किस करने के लिए कहती है। मिंगी उसे थैंक्स कहता है। यूजिन कहती है कि तुम दोनों की वजह से मैं थक गई हूँ। मिंगी के जाने पर वो कहती है कि अब तुम दोनों मुझे फिर से मत मिलना। फिर वो बड़बड़ाती है कि मैं कितनी अकेली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिंगी और सियोली को साथ में जाते देखते हैं। सियोली सोचती है कि जैसा यूजिन ने कहा था, क्या मुझे इसके साथ वैसे ही मस्ती करनी चाहिए। मिंगी सोचता है कि अगर मैं अभी इसका हाथ पकड़ूं तो क्या ये अपना हाथ छुड़ाएगी या नहीं। सियोली सोचती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मिंगी सोच रहा होता है कि जब एक बार तुम फ्रेंड की तरह फील करने लगो तो फिर डेटिंग करना मुश्किल होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि क्या इसे भी ऐसे ही महसूस होता होगा। फिर मिंगी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है जो तुम मेरी तरफ ऐसे देख रही हो। सियोली कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ क्योंकि तुम मेरी तरफ देख रहे थे। मिंगी हड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम्हें मुझे रुपए देने पड़ेंगे। फिर वो सोचता है कि मैं भी ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। सियोली कहती है कि तुम ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो मन में सोचती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिंगी सोचता है कि पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सियोली सोचती है कि अब तो इसे देखकर मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। इसके बाद वो दोनों पार्क में बैठते हैं। मिंगी अपने बैग में से दो जूस निकालता है और एक सियोली को देता है। वो अपना जूस पीता है, सियोली उसे अपना जूस का कैन देती है तो मिंगी उसे खोलकर पी जाता है। सियोली कहती है कि मैंने तो तुम्हें बस ये खोलने के लिए दिया था और तुम इसे पूरा पी गए। मिंगी कहता है कि अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। सियोली कहती है कि तुम्हें मेरे बिना बोले ही सब समझ जाना चाहिए, नॉर्मल कपल्स ऐसे ही तो होते हैं। मिंगी चिढ़ते हुए कहता है कि क्या डेटिंग से मेरे पास कोई सुपर पावर आ जाएगी जिससे मैं लोगों का दिमाग पढ़ पाऊंगा। सियोली कहती है कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो। मिंगी कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम क्या चाहती हो। सियोली पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते भी हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें डेटिंग इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सियोली पूछती है कि फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। मिंगी पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं यहाँ बैठा कैन खोल तो रहा हूँ। वो कहती है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, दूसरे कपल्स आपस में इतनी मस्ती करते रहते हैं और यहाँ तुमसे मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा जाता है। मिंगी कहता है कि तुम और कपल से कंपेयर क्यों कर रही हो, क्या हमें औरों की तरह डेट करना चाहिए। वो कहती है कि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस नॉर्मल कपल्स की बात कर रही हूँ। मिंगी कहता है कि ये सब तो कपल्स पर डिपेंड करता है। सियोली कहती है कि क्या तुम अपनी गलती नहीं मानने वाले हो। वो कहता है कि मैंने क्या किया, तुमने ही लड़ाई शुरू की। सियोली कहती है कि मैंने कब झगड़ा किया, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से यही कहना चाहते हो। मिंगी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वैसे भी हम फालतू में ही लड़ रहे हैं। सियोली उसे डरपोक कहती है। वो कहती है कि तुम्हें तो मस्ती करनी भी नहीं आती है। मिंगी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मस्ती करने से डरता हूँ। वो कहती है कि हाँ तुम डरते हो। ये सुनकर मिंगी अचानक से सियोली को अपने पास खींचता है और फिर वो उसे किस करने के लिए रेडी हो जाता है।
वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि यूजिन वहाँ पर आती है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। यूजिन कहती है कि अगर अभी मैं नहीं आती तो क्या तुम दोनों की किस होने वाली थी। वो दोनों हाँ कहते हैं। यूजिन इरिटेट होते हुए कहती है कि मैंने सब बिगाड़ दिया, ऐसा करो तुम दोनों अपना प्रोग्राम चालू रखो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर मिंगी और सियोली के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सियोली उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। रास्ते में मिंगी कहता है कि इसी जगह पर मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस किया था। वो हाँ कहती है। मिंगी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक महीने तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। सियोली कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल था। मिंगी कहता है कि मैंने ये दिखाया नहीं, लेकिन मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था। ये सुनकर सियोली सोचती है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। तभी मिंगी उसे बैग से एक और जूस का कैन निकाल कर देता है। सियोली कहती है कि क्या तुम्हें जूस इतना ज्यादा पसंद है। वो जूस लेना चाहती है, लेकिन मिंगी जूस का कैन छोड़कर सियोली का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर वो उसके होठों पर किस करता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। किसके बाद सियोली प्रैंक हो जाती है। उसका सवाल सुनकर वो आगे चली जाती है। मिंगी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम भी ये करना चाहती हो। मेरा मतलब कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, मैंने भी ये पहली बार किया है, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। सियोली उसे नीचे आने के लिए कहती है। वो उसे कोट से पकड़कर नीचे करती है और फिर उसके गाल पर किस करती है। फिर वो उसे हंसते हुए कहती है कि तुमने ये अच्छे से किया। ऐसा कहकर वो फिर आगे चली जाती है। मिंगी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो जाकर सियोली को पकड़ता है। वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सियोली कहती है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही ये बता देती तो मजा नहीं आता। मिंगी कहता है कि तुम बहुत ही खतरनाक हो। सियोली कहती है कि तुमने मुझे किस करने के लिए ही अपने पास जूस रखे थे ना। मिंगी कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। और ऐसे ही वो दोनों आपस में बातें करते हुए चले जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब जल्दी ही मैं आपके लिए एक और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी, तो वेट कीजिए नेक्स्ट ड्रामा का। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।